टुडे टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मीन्स कोई दो लाइन है आपके पास विच आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड वी नीड टू फाइंड फैमिली ऑफ लाइंस ऑल आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। यानी कि दो स्ट्रेट लाइन है बेटा जो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और आपने क्या करना है उन सभी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास होती हैं। एक स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, और सेकंड स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। और आपने एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है या बहुत सारी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास होती हैं, तो उनकी इक्वेशन आ जाएगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन और राइट साइड जीरो। ये भी एक इक्वेशन है जो इनके इंटरसेक्शन से पास होगी, और बहुत सारी अगर लेकर आनी है तो किसी के साथ हम कोई स्केलर लगा देते हैं, दोनों के साथ भी लगा सकते हो, एक के साथ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। एक के साथ लगाने से उतने केस अराइज होंगे जितने दोनों के साथ लगाएंगे आप। अगर दोनों के साथ सेम स्केलर लगा दिया तो वो कैंसिल भी हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर एल लगा दिया मैंने, यहाँ पर के लगा दिया, अब इसको एल से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, एल से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के बाई एल, जिसको अलग से एक कॉन्स्टेंट हमने अज्यूम कर लिया के। यानी कि एक जगह ही आपने ये स्केलर लगाना है, तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन्स। सिंपल बात की जाए तो ये है कि अगर आपके पास दो कोई इक्वेशन मिले और आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास होती है, तो उसके लिए क्या करना बेटा, फर्स्ट इक्वेशन प्लस के टाइम्स सेकंड इक्वेशन राइट साइड जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट में कोई कंडीशन मिलेगी आपको। अब मैं प्रूव कर देता हूँ इसको, देखो ध्यान से। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सुफिक्स डाल लेता हूँ मैं ताकि दूसरी भी लिख सकूँ, वन वन वन। सेकेंड इक्वेशन है बेटा ए एक्स ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू राइट साइड जीरो। तो ये दो लाइन हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर। अब आपने क्या है, एक थर्ड लाइन की इक्वेशन निकालनी है या बहुत सारी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास होती हो, तो उसके लिए क्या है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ही, ये तो डिफाइंड है बच्चों। तो इसको मैंने x1 y1 लेट कर लिया। अब x1 y1 जो पॉइंट है आल्सो लाइज ऑन दिस एंड दिस बोथ लाइन्स, दोनों लाइन के ऊपर लाई करता है, तो देर फोर एक्स वन वाई वन इसको सेटिस्फाई करेगा, ए वन एक्स वन प्लस बी वन वाई वन प्लस सी वन राइट साइड जीरो। ये आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था कि भाई कोई किसी ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है तो देन दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाइड इस इक्वेशन। सिमिलरली ये पॉइंट जो है इस लाइन के ग्राफ के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ए एक्स वन और बी टू वाई वन और प्लस सी टू राइट साइड जीरो, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप आ गई हमारी दोनों जीरो के इक्वल। अब अगर मैं एक यहाँ पर एक कंसीडर करता हूँ अनदर लाइन को कंसीडर कर लिया मैंने, देखो ए टू एक्स वन प्लस बी टू वाई वन और प्लस सी टू राइट साइड जीरो। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर दोनों जगह स्केलर लगा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने एल लगा दिया, यहाँ पर एम लगा दिया। तो ये ऐसी L और M की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर लाखों करोड़ों लाइन आ जाएंगी बेटा, इनफाइनाइट लाइन आ जाएंगी जो इस पॉइंट से पास होती होंगी। L और M की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, चाहे x1 y1 इस पूरी को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये जीरो हो चुका और ये भी जीरो हो चुका, तो दोनों जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली जीरो। और L और M दोनों फाइनाइट नंबर हैं ही, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए L से डिवाइड कर, यहाँ तक समझ में नहीं आया शायद आपको, मैं बता देता हूँ दोबारा। देखो जैसे कि ये L1 लाइन है, इसकी इक्वेशन ये है, ये L2 लाइन है, इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है बेटा। इनकी इक्वेशन के सफिक्स मैं और बदल देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। देखो
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। एक आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने एल वन बोल दिया। सेकंड लाइन है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो, सेकंड ये है जिसको मैंने एल टू बोल दिया। यहाँ तक क्लियर है? दोनों जो हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस विच पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। यानी कि एक लाइन या इनफाइनाइट लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास होती है, यानी कि उन सभी लाइन की इक्वेशन किस टाइप में होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेफिनेटली, यानी कि वो डिफाइंड है। जब आपके पास दो इक्वेशन है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेफिनेटली आ जाएगा अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो। तो अब क्या है कि ये एक्स वन वाई वन पॉइंट एल वन लाइन के ऊपर है, तो मैं इसमें एल वन में इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, और एल वन में अगर इसको इंसर्ट करूँगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। सेटिस्फाई हो जाएगी ये डेफिनेटली, क्योंकि एक्स वन वाई वन एल वन के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली एक्स वन वाई वन आल्सो लाइज ऑन लाइन एल टू, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन सेकेंड, देयरफॉर वी कैन राइट पी एक्स वन प्लस क्यू वाई वन एंड प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब यहाँ पर मैं एक लाइन अज्यूम कर लेता हूँ, एक लाइन की इक्वेशन को अज्यूम कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, वो है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर, ठीक है ना? ये लाइन अज्यूम कर ली मैंने, यहाँ पर एल लगा दिया और यहाँ पर एम लगा दिया। अब डेफिनेटली ये लाइन एल और एम की हर किसी वैल्यू के लिए यहाँ से पास होगी भाई, यहाँ से पास होगी तो किस पॉइंट से पास होगी, एक्स वन वाई वन से। तो एक्स वन वाई वन से पास होगी तो एक्स वन वाई वन इसको सेटिस्फाई करेगा, कर सकता है ना? तो चेक करें करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक्स वन रख दिया, यहाँ पर वाई वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हुए, यहाँ पर एक्स वन यहाँ पर वाई वन रख दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो, इक्वेशन सेकंड का यूज करते हुए। यानी कि एल और एम की हर किसी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपकी जो लाइंस हैं, जो लाइन बनेंगी वो डेफिनेटली इस पॉइंट से जाएंगी, बस यही रिक्वायर्ड आंसर है। यानी कि जो सारी लाइन होंगी वो इस टाइप की होंगी। अब बुक वाले ने यह आंसर देने की बजाय क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर के लिख रखा है, तो वो कैसे लिखा है देखो मैं बताऊँ आपको। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने क्या करना होता है कि कम से कम आपने आर्बिट्रेरी लेने होते हैं, तो मैं इसको L से डिवाइड कर देता हूँ, L से इसको डिवाइड कर दिया, L से इसको डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और प्लस इसको आप चाहे लैम्डा लेट कर लीजिए या फिर K लेट कर लीजिए, मर्जी आपकी है, कोई ना कोई तो वैल्यू है ही, ये राइट साइड ज़ीरो। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन को फैमिली ऑफ लाइंस, यानी कि लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए लाखों करोड़ों लाइन हो जाएंगी जो इस पॉइंट से पास होंगी, ठीक है ना? क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। देखो एक्स वन वाई वन इस एल वन को सेटिस्फाई करता है तो ये इक्वेशन जीरो के इक्वल होगी, एक्स वन वाई वन एल टू को सेटिस्फाई करता है ये जीरो के इक्वल होगी। अब मैंने अज्यूम कर लिया ये कोई लाइन है, डेफिनेटली एक लाइन है, यहाँ पर कोई स्केलर ले लिया। अब ये जो लाइन है ये मैंने कहा कि एक्स वन वाई वन से डेफिनेटली पास होगी, क्यों पास होगी, क्योंकि एक्स वन वाई वन इसको सेटिस्फाई करता है, यहाँ पर एक्स वन वाई वन रखेंगे ये जीरो हो गया इक्वेशन वन का यूज़ करके, यहाँ पर एक्स वन वाई वन रखा ये जीरो हो गया इक्वेशन टू का यूज़ करके, तो डेफिनेटली ये लाइन ऐसी लाइन की इक्वेशन हो गई ये जो यहाँ से पास होगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक वेरिएबल, एक आर्बिट्रेरी को रिमूव कर दिया, यहाँ से एक ही रख लिया केवल इजी करने के लिए। अब आपने करना क्या है, एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है इसकी बिल्कुल 10.10, उसमें क्या करना है देखो, आपको कोई दो लाइन मिलेंगी और दोनों क्या होंगी इंटरसेक्टिंग, और दोनों की इक्वेशन मिलेगी आपको,
जैसे एक एग्जाम्पल से मैं सारे केस करवा देता हूँ आपको, जितने क्वेश्चन बुक में आएंगे वो सारे मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो एक ही एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि ये इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, और ये इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस वाई और प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। ये दो लाइन हैं और दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन हैं। अब आपने एक तीसरी लाइन या बहुत सारी लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इनके इंटरसेक्शन से पास होती हैं। अब बहुत सारी लाइन क्यों कहा मैंने, क्योंकि एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन ही पास हो सकती हैं, है ना, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। तो यानी कि हर किसी क्वेश्चन को आपने यहाँ तक तो करना है ही, डेफिनेटली यहाँ तक दोनों को ऐड करके, दोनों इक्वेशन को ऐड करके, और किसी के बाहर, किसी एक के बाहर कोई स्केलर लगा दो आप, के लगा दो या लैम्डा लगा दो, एक्स वाई को छोड़कर कुछ भी लगा दो आप, वो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, दोनों जगह ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब k की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन मिलेंगी, वो सारी कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड टू एक्स माइनस वाई प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक तो सभी की स्टेटमेंट सेम टू सेम आएगी, केवल ये इक्वेशन बदलती रहेंगी हर किसी क्वेश्चन में, भाई सेम टू सेम तो नहीं हो सकती हर किसी में, ये चेंज होती रहेंगी, बाकी सारा का सारा यहाँ तक एज इट इज आएगा। उसके बाद जो डिफरेंट बात होगी वो ये होगी, वो स्लोप इज वन। देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दी मैंने आपके सामने, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन या ऐसी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है आपने जो इनके इंटरसेक्शन से पास होती है और जिसका स्लोप वन है। तो करना क्या है बेटा, हर किसी क्वेश्चन को यहाँ तक तो करना है ही आपने, यहाँ तक जो मैंने कर दिया, यहाँ तक हर किसी क्वेश्चन को करना है। तो उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद k की वैल्यू निकालने के लिए आपने जो है ना इसका स्लोप निकाल लेना है यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, देखो k की मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो ये हो गया 2kx और प्लस x, तो यानी कि 2k प्लस 1 इंटू एक्स, 2k प्लस 1 में x कॉमन निकाल लिया मैंने, ये बन गया 2k प्लस 1। ठीक ऐसे यहाँ पर y है, यहाँ पर माइनस k है, तो ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस k इंटू वाई, ये आ गया। फिर कॉन्स्टेंट क्या है मेरे पास, कॉन्स्टेंट है माइनस 1 और प्लस 7k, यानी कि 7k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझिए बेटा अच्छे से, एक बार क्या किया मैंने, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती हो, तो मैंने दोनों को ऐड किया, किसी एक के बाहर को स्केलर लगा दिया, इसके बाहर लगाओ या इसके बाहर लगाओ, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यानी कि यहाँ तक हर किसी क्वेश्चन को आपने करना पड़ेगा। उसके बाद जैसी अगली कंडीशन दे रखी उसके अकॉर्डिंग कर दो इसको। कंडीशन क्या है कि इसका स्लोप क्या है, 1, यानी कि आंसर ये क्यों नहीं हो सकता, देखो आंसर ये नहीं हो सकता बेटा, रीज़न ये है कि इस आंसर में k है, ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कौन है, k, जिसको हमने लेट किया है, तो अपनी लेट किया हुआ वेरिएबल आंसर में ना हो आर्बिट्रेरी एक्स वाई को छोड़कर। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका स्लोप 1 के इक्वल रखेंगे, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ वाई और माइनस का साइन यहाँ पर राइट में 1। तो ये हो गया भाई बच्चों 2k प्लस 1 और राइट में क्या आ जाएगा, k माइनस 1, ठीक है ना, ये इस तरफ आकर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। तो बस ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पर माइनस 2 रखो, यहाँ पर माइनस 2 रखो, यहाँ पर माइनस 2 रखो, ठीक है ना, आंसर आ गया। अब देखो इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट में, अब स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ मैं इसमें। अब की बार मैंने कहा कि इन विच एक्स इंटरसेप्ट इज 5,
यानी कि यही स्टेटमेंट है बेटा सेम टू सेम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो एंड हुज एक्स इंटरसेप्ट इज फाइव। अब की बार स्लोप की बजाय क्या दे दिया, एक्स इंटरसेप्ट। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था, टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स, टू के प्लस वन इंटू एक्स, वन माइनस के इंटू वाई और प्लस सेवन के माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन कर ही लिया था। अब की बार इस कंडीशन की बजाय देखो, ये कंडीशन हटा दी उसने और ये कंडीशन लगा दी उसने कि भाई एक्स इंटरसेप्ट कितना है, फाइव यूनिट, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज़। अब की बार ये स्टेटमेंट में नहीं है, ये है स्टेटमेंट में। तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे आप, इसका वाई के प्लेस पर जीरो रख दीजिए, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस सेवन के माइनस वन डिवाइडेड बाई टू के प्लस वन, ये एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा और एक्स इंटरसेप्ट को आपने रखना है फाइव के इक्वल। तो फाइव के इक्वल रखे, यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी आपकी और के की वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कंडीशन इसमें दे दी जाए, जैसे वाई इंटरसेप्ट दे दिया जाए आपको, हाँ वाई इंटरसेप्ट दे दिया आपकी बार, वाई इंटरसेप्ट वन, वाई इंटरसेप्ट, बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस एंड हुज वाई इंटरसेप्ट इज वन यूनिट। तो अब की बार आपने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, x के प्लेस पर जीरो रखो, y इंटरसेप्ट आ जाएगा जो कि आ गया सेवन के माइनस वन डिवाइडेड बाई के माइनस वन, ये आ जाएगा आपका y इंटरसेप्ट x के प्लेस पर जीरो रखने से। और ये वन के इक्वल रख देना, यहाँ से k की वैल्यू जो मिलेगी वो k की वैल्यू आपने k के प्लेस पर रख देनी, आंसर आ जाएगा। तो तीन तरह की स्टेटमेंट मैंने आपको बताई हैं। देखो x इंटरसेप्ट पूछ सकता है आपसे, y इंटरसेप्ट पूछ सकता है, और x इंटरसेप्ट की बजाय बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दे सकता है x एक्सिस का, ये x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा 5, 0, तो वही बात है सेम टू सेम। और y इंटरसेप्ट देने की बजाय y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन दे देगा आपको 0, 1, तो सेम टू सेम बात है दोनों, ठीक है ना। और फर्स्ट टाइम क्या दिया, स्लोप। इसकी फोर्थ स्टेटमेंट में देखो बेटा क्या लिखेगा कि विच इज पैरेलल टू 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि जो इस लाइन के पैरेलल हो, वो सारी स्टेटमेंट एज इट इज। और अब की बार क्या बोला कि यानी कि उनके इंटरसेक्शन से पास होने के साथ साथ इस लाइन के क्या हो, पैरेलल भी हो, उनके इंटरसेक्शन से पास होने के साथ साथ इसके पैरेलल भी हो। तो इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या हो गया यहाँ पर, माइनस टू। तो वहाँ से जो स्लोप हम निकालेंगे अपनी लाइन से, अपनी लाइन थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन, 2k प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 माइनस के इंटू वाई और प्लस 7k माइनस 1। तो देखो ये अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए जो कि क्या आ गया, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के और माइनस टाइम, ये स्लोप आपने माइनस 2 के इक्वल रख देना है। यहाँ से k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह सकता है कि विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन से पास होकर साथ साथ इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। तो भाई इसका स्लोप क्या है बेटा, माइनस टू, इसका स्लोप है माइनस टू, कोफिशेंट ऑफ एक्स बाई कोफिशेंट ऑफ वाई माइनस टाइम, इसका स्लोप है माइनस टू। अब जो अपनी लाइन है उसका स्लोप क्या आ जाएगा, 1/2। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगा, 1/2, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अपनी लाइन का स्लोप मैं पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखो 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से k की वैल्यू निकाल कर और यहाँ पुट कर सकते हो इक्वेशन में k की प्लेस पर।
ये नेक्स्ट मैंने स्टेटमेंट बताई आपको, और सारी स्टेटमेंट मैं लिख भी नहीं सकता बेटा, बहुत सारी हो जाएंगी। जैसे कि इसकी बजाय ये बोल दिया जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन दिस एंड दिस, यानी कि जो लाइन थी ना उनके इंटरसेक्शन से पास होकर, एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन विच मेक्स 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी कि उस लाइन के पैरेलल हो जो एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 45 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या हो गया, 1, तो अपनी लाइन का भी स्लोप 1 हो गया। ऐसा बोल दिया जाए अवर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विच मेक्स 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो गिवन लाइन का जो साथ में एक लाइन दे रखी उसका स्लोप हो गया 1, तो अपनी लाइन का क्या हो जाएगा, -1। यानी कि ओवरऑल स्लोप निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाएगा आपको, तो वहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है ना। कितना भी कंसेप्चुअल बनाया जा सकता है स्लोप के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि वो बोल सकता है कि हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 2 इज 5 मिनट, हुज डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 इज 5 मिनट। ऐसा बोल दिया जाएगा कि उस लाइन की डिस्टेंस क्या है, 1 to 2 पॉइंट से 5 मिनट है। तो लाइन अपनी ये है देखो, तो 1 to 2 पॉइंट से इसकी डिस्टेंस 5 मिनट लिख देता हूँ मैं। देखो x के प्लेस पर 1 रखा तो ये आ गया 2k+1, y के प्लेस पर 2 रखा तो ये आ गया 2 - 2k, और ये कॉन्स्टेंट एज इट इज 7k-1 विद इन मोड डिवाइडेड बाई x के कोफिशेंट का स्केयर प्लस y के कोफिशेंट का स्केयर और अंडर द स्केयर रूट, और ये किसके इक्वल रखना हमने, 5k इक्वल। ये क्या किया, ये मैंने डिस्टेंस निकाल दी अपनी लाइन की 1 to 2 पॉइंट से, 1 to 2 पॉइंट से, 1 to 2 जिस भी पॉइंट से आप डिस्टेंस निकालते हो एक्स वाई के प्लेस पर, वो पॉइंट इंसर्ट करना है, मॉडुलस लगाना है, और लोअर पार्ट में एक्स वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट लगा देना है, और राइट में 5 हो ही गया, ठीक है ना। तो यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई से स्क्वेयरिंग से, और फिर के की वैल्यू आप यहाँ इंसर्ट करोगे फिर आंसर आएगा। नेक्स्ट और इजी बनाएंगे तो ये बोल सकता है हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 मिनट, फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या है, 5 मिनट। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो सीधा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी के ऊपर मॉडुलस लगाएंगे, और लोअर पार्ट में x के कोफिशेंट का स्क्वायर जो कि 2k+1 है, एंड स्क्वायर ऑफ कोफिशेंट ऑफ y दैट इज 1 - k अंडर द स्क्वायर रूट, राइट में 5, स्केयरिंग बोथ साइड से k की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। यही इसका बेसिक है बच्चों। अब ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनका एक अल्टरनेट भी है, अल्टरनेट वे में भी कर सकते हैं आप इसको। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही करता हूँ मैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था अभी अभी यहाँ पर, ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड हु स्लोप इज 1। तो यानी कि मेरे पास दो गिवन लाइन है बेटा, वो लाइन है x-y+1=0, और सेकंड लाइन थी 2x+y+7=0। तो ये दो लाइन गिवन थी बेटा, और रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी कि भाई, तो मैंने यही क्वेश्चन करवाया आपको कि एक लाइन निकालनी जो इनके इंटरसेक्शन से पास होती है। तो भाई टेंथ क्लास में हमने सीखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, तो इस मेथड से भी कर सकते हो आप क्वेश्चन को, इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लो आप। ऐड कर दिया इनको, ये इससे कैंसिल हो गया, x+2x आ गया 3x, और राइट में कितना आ गया, -8। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -8/3। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें रख दी मैंने, तो -8/3 यहाँ पर रख दी बेटा मैंने, -8/3 -y+1 -0। तो y को राइट में ले जाता हूँ, -8+3/3 राइट में y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3। यानी कि जो आपकी जो लाइन है ना
वो इनके इंटरसेक्शन से पास होती है, यानी कि माइनस 8/3 और माइनस 5/3 से, ठीक है ना, इनके इंटरसेक्शन से पास होती है लाइन। तो अब इन लाइंस का काम यहाँ पर बचा नहीं बेटा, इन दोनों लाइन ने अपना काम किया और इनको हटा देते हैं। अब अपने पास एक नई स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट माइनस 8/3 एंड माइनस 5/3, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन निकालनी है आपने जो इस पॉइंट से पास होती है। तो हर कोई क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो आप, जैसे अब मैं करने लग रहा आपके सामने, 10th क्लास का मेथड यूज़ करके मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर। अब देखो इक्वेशन आप जानते हो, वाई माइनस वाई वन और m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है भाई, वन पॉइंट स्लो फॉर्म से, ठीक है ना, वन पॉइंट स्लो फॉर्म से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ये, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब केवल ज़रूरत यहाँ पर किसकी है बेटा, स्लोप की, और किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट स्लोप दे दिया जाएगा, किसी में डिस्टेंस दे दी जाएगी ओरिजिन से, किसी में x इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा, किसी में y इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा, किसी में किसी के साथ इंटरसेक्शन दे दिया जाएगा, और किसी में क्या है दूसरी लाइन के साथ कोई रिलेशन दे दी जाएगी। उन सभी कंडीशंस का यूज़ करके आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अभी अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, वो था कि स्लोप क्या है अपनी लाइन का, 1, तो m के प्लेस पर 1 रख दो बस, y प्लस 5/3 और 1 इंटू एक्स प्लस 8/3। आगे सिंप्लीफाई आप कर ही सकते हो बेटा, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 10.10 से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3x प्लस 2, दैट इज 3x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपने जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती है और साथ में क्या है 0 0 से भी पास होती है। तो भाई एक मेथड तो अपना यही है कि इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पर, लैम्डा टाइम्स लगा दिया, और सेकंड की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर राइट में 0। के भी लगा सकते हो लैम्डा के प्लेस पर, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन से पास होती है उस लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा ये। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, ये अब जो आपकी जो लाइन है ये 0 0 से भी पास होती है ऐसा गिवन है, तो यहाँ पर 0 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये आ जाएगा 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये आ जाएगा 2 लैम्डा, राइट साइड 0, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2 के इक्वल। तो लैम्डा की वैल्यू -2 यहाँ रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y और प्लस 4 और -2 टाइम्स 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, -6 प्लस 2x माइनस 4x और प्लस 2y प्लस 3y प्लस 5y प्लस 4 माइनस 4 0, राइट साइड 0, माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहे माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या थी बेटा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो इन के इंटरसेक्शन से पास होती हुई साथ में 0 0 से भी पास हो। तो वही फर्स्ट मेथड ये है इसका, जो इस क्लास का टॉपिक है, कंसेप्ट है, उसी का यूज करते हुए। और नेक्स्ट मेथड जो इसका है ये है बेटा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो दोनों लाइन्स का। ये लाइन है आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इनका यूज़ करते हुए क्या है बेटा, आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके। तो भाई उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगी 9x, ये आ जाएगी माइनस 3y और ये आ जाएगी प्लस 6, राइट साइड 0। ऐड करेंगे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 11x और राइट में क्या आ गया -10 और x की वैल्यू आ जाएगी -10/11। x की वैल्यू -10/11 आ गई, तो x की वैल्यू -10/11 यहाँ इंसर्ट करेंगे तो 3 इंटू -10/11 और -y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -30/11 और प्लस 2 और राइट साइड में ले जाता हूँ y को, ये पॉजिटिव हो जाएगा,
ये आ जाएगा 22 माइनस 30, 22 माइनस 30 दैट इज -8/11 और राइट साइड बाई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया बेटा आपका -10/11 और -8/11। और सेकंड पॉइंट गिवन क्या है 0 0, ये पॉइंट आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड पॉइंट 0 0 गिवन है ही। अब लाइन की इक्वेशन आप टू पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, y-y1, ये y1 है आपका, x-x1 और इनटू y2-y1 दैट इज 8/11 एंड x2-x1 दैट इज 10/11। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर y+8/11 इक्वल टू 4/5 एंड x+10/11। तो एलसीएम वगैरह ले सकते हैं बेटा इसका हम। अब देखो ये आ जाएगा 11y और +8 /11 और यहाँ पर है 4/5 और 11x और +10 /11। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 55y +40 और ये आ जाएगा 44x, राइट साइड में बेटा 44x और +40, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया और 11 से इसको डिवाइड कर सकते हो आप। तो 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा -4x + y = 0। यानी कि इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है ना।